यमुनानगर जिले में स्थित हरियाणा के सबसे बड़े वन क्षेत्र कलेसर नेशनल पार्क में पेट्रोलिंग के लिए वन विभाग को नई महिंद्रा थार मिली है। वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज महिंद्रा थार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हम हथनीकुंड बैराज पर पर्यटन की दृष्टि से काफी गतिविधियां शुरू करने जा रहे हैं और कोरोना की दृष्टि से जो जंगल सफारी बंद हो गई थी उसे भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के का आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पेट्रोलिंग के लिए एक थार गाड़ी हमें उपलब्ध कराई है। और पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो कलेसर है, मैं समझता हूँ निश्चित तौर से इसका हमें काफ़ी लाभ मिलेगा, पेट्रोलिंग के लिए काफ़ी लाभ मिलेगा। हमने 4x4 गाड़ी है तो कुछ पहाड़ी एरिया भी है उसमें भी इसका फायदा रहेगा, इसके लिए उनका धन्यवाद करें। हाँ देखिए, इसको भी हम शुरू करने वाले हैं और अभी 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हथनीकुंड पे आ रहे हैं, तो हथनीकुंड पे हमने काफ़ी गतिविधियाँ पर्यटन की हम शुरू कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम जो जंगल सफारी है उसको भी शुरू कर रहे हैं। पहले भी थी लेकिन कोरोना के दौरान बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से उसको शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक दिन का ये काफ़ी अच्छा पैकेज होगा किसी भी व्यक्ति के लिए, पूरा दिन घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह होगी, जहाँ आप पहाड़ में भी घूम सकते हैं, जहाँ आप नदियों में भी मतलब घूम सकते हैं और बोटिंग का हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं। तो एक अच्छा वो होगा एक दिन के लिए, तो इसकी शुरुआत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को आ रहे हैं।